वापस हम कैपिटल एडजस्टमेंट को कवर करेंगे आज के क्वेश्चन में, पेज 163 क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर डी एंड मिस्टर करण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 21st मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोस. बैलेंस शीट की है लायबिलिटी एसेट्स. दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल. He shall have to bring in 20,000 as his capital for 1/5 share in future profit and 10,000 as his share of goodwill. Underline as his share of goodwill. A provision for the 5% doubtful debts to be created on sundry debtors. Furniture to be depreciated by 20%. Stock should be appreciated by 5% and building should be appreciated by 20%. Capital accounts of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. Underline this adjustment. Again, आज हम इसको cover करेंगे. Prepare P&L adjustment account यानी revaluation account. हम उसको P&L adjustment account भी लिख सकते हैं. तो हम revaluation की जगह पे यहाँ नाम दे देते हैं P&L adjustment account as आपको question में P&L adjustment account कहा गया है. ठीक? Meaning same ही है दोनों. पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. अब हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग की स्टेप्स सबको आती है रिवैल्यूएशन तक, तो इसको हम फास्ट कवर करते हैं. जैसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफरिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एज इट इज गिवन इन लायबिलिटी ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो डी पैड करंट के बैलेंसेस फास्ट ट्रांसफर कर देंगे हम ऑन द क्रेडिट साइड. Balance brought down 60,000 and 20,000. Third column में cash. उसके बाद cash balance transfer to cash account on the debit side. Asset में दिया है. To balance brought down 40,000. Then अब क्वेश्चन में देखा जाएगा बिफोर एडमिशन इज देयर एनी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस. व्हाट इज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस. दे आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस. बिफोर एडमिशन अगर कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो उनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आपको ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस मिलेंगे जनरल रिजर्व रिजर्व फंड या पीएनएल के नाम से. तो मुझे चेक करना है पहले लायबिलिटी साइड. इस तरह की रिजर्व इज गिवन. यस, दिया हुआ है 8,000. तो इस पे 8,000 को ये प्रॉफिट है बिफोर एडमिशन है तो सिर्फ हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करेंगे बाय जनरल रिजर्व. डिवाइड इट इन डी बैंक करंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:1. तो 3:1 इस रेशियो में हम डिवाइड अगर करते हैं डी एंड करंट में तो ये आएगा 6,000 एंड 2,000. राइट देयर. चेक ऑन द एसेट साइड इज देयर एनी पी एंड एल अकाउंट दैट इज एक्युमुलेटेड लॉसेस आर गिवन ऑन द एसेट्स में कुछ भी दिया हुआ नहीं है. नाउ वी स्टार्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फर्स्ट पॉइंट न्यू पार्टनर से रिलेटेड है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे. प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. प्रोविजन फॉर ऑन डेटर्स मींस आरडीडी. इट इज अवर लॉस. इज देयर एनी ओल्ड आरडीडी इज गिवन इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कहीं भी ओल्ड आरडीडी नहीं दी है तो डायरेक्टली मुझे न्यू आरडीडी क्रिएट करनी है एट 5%. पहले आरडीडी जीरो थी अब 5% होने वाली है. इट मींस आरडीडी इंक्रीज होने वाली है. आरडीडी मींस एक्सपेक्टेड लॉस. जो लॉस पहले जीरो था अब 5% होने वाला है यानी लॉस बढ़ेगा. तो सबसे पहले हम इसको वो लॉस होने के कारण पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे. तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 32,000 पे 5%. अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1,600 इज योर आरडीडी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू आरडीडी 1,600 लॉस है. इसलिए वो लॉस मुझे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा.
बेटा, तब जाके मैं आरएलडी बैलेंस शीट में शो कर सकती हूँ। आपको दिया है सैलरी डेटर्स 32,000 लेस न्यू आरएलडी 1,600, आउटर कॉलम में आएगा 30,400। देन फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, अगेन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मींस लॉस हुआ, लॉस को मुझे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर देना है। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर बैलेंस ऑफ फर्नीचर गिवन इन बैलेंस शीट इज 11,000, ऑन 11,000 20% इज डेप्रिसिएशन, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2,200 इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो रिवाइज फिगर ऑफ फर्नीचर बैलेंस शीट में पोस्ट की जाएगी। फर्नीचर ये सबको आता है 11,000 लेस डेप्रिसिएशन दिया है तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन 2,200, 8,800 is revised figure of furniture. Then stock should be appreciated by 5%. Value of stock is increased by 5%. Asset is increased by 5%. Property ki value is increased by 5%. That means it is our income. Yes, to wo income hum P&L adjustment yani revaluation ke credit mein post karenge by stock account. चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 20,000, इस पे इंक्रीज बाय 5%, तो अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1,000। स्टॉक 20,000 एप्रिशिएटेड बाय 1,000, ये मैं डेलिबरेटली फास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन कैपिटल एडजस्टमेंट पे ज्यादा लगेगा। ठीक, ये सबको आता है। देन बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड मींस इंक्रीज, दैट मींस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई, अगेन इट इज आवर इनकम, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 16,000 पे value of land and building given in balance sheet is 16,000 appreciated by 20%, that means aapka value increase ho raha hai by 3,200, revised figure of land and building posted on the asset side, old value of land and building is 16,000 but appreciation on this 3,200, revised figure of building is 19,200, right? सारे revaluations हो चुके हैं, अब आ जाते हैं balance sheet में। ऐसी कोई assets liabilities है क्या जिस पे हमने revaluation नहीं किया? Non-revalued assets and liabilities जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, that means before admission, after admission, वो सेम फिगर पे रहने वाली है, ऐसी assets liabilities को मुझे as it is balance sheet में post कर देना है। तो मैं चेक करती हूँ पहले liability side, creditors, bills payable, bank overdraft, इनपे कोई भी revaluation question में दिया हुआ नहीं है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, तो जो before admission है उतना ही मुझे value after admission भी post कर देना है। तो हम रिकॉर्ड करते हैं सेंट्री क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड 40,000, बिल्स पेबल एज इट इज 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज 11,000, कैपिटल्स रिजर्व ये सब हमने कर दिए हैं। आ जाते हैं असेट साइड, कैश हमने पोस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, डेटर्स रिवैल्यू हो चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हो चुकी है, स्टॉक रिवैल्यू हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम
रिवैल्यूएशन नहीं दिया है तो हम इसको पोस्ट करते हैं एज इट इज प्लांट एंड मशीनरी 30,000। फर्नीचर रिवैल्यूड हो चुका है ना। रिवैल्यूएशन के बाद हम क्या करेंगे, जो असेट्स रिवैल्यूड हुई है, जो लायबिलिटीज रिवैल्यूड हुई है, इसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर फॉर्म में आएगा न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। ये अकाउंट आपको या तो देगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो और हम रुक जाते हैं। फिर हम करेंगे एंट्रीज फॉर न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो डेबिट एंड क्रेडिट अगर मैं चेक करती हूं तो क्रेडिट इज मोर 4,200 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस 3,800 दैट मींस 400 इज बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन। ये 400 बैलेंस रिप्रेजेंट नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रॉफिट क्यों, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट को मुझे 3:1 में डिवाइड करना है, सबको आता है, दैट मींस 300 एंड 100। तो 300 ये शेयर रहेगा फर्स्ट पार्टनर का तो कुलदीप कैपिटल अकाउंट, 100 शेयर रहेगा सेकंड पार्टनर का दैट इज टू करंट कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में है, दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 300 एंड 100। अभी तक न्यू पार्टनर के कॉलम में हमने कोई भी एंट्रीज नहीं पोस्ट की है क्योंकि न्यू पार्टनर अभी फॉर्म में एडमिट होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन। जो मैंने एक्सप्लेन किया था न्यू पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्रीज, सबसे पहले न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो इस न्यू पार्टनर से हम दो टाइप का पैसा लेते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल कंपल्सरीली उसको कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। देन सेकंड हम न्यू पार्टनर से लेते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट टूवर्ड्स गुडविल, बराबर। ये गुडविल लिया जाता है फॉर इमेज ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन मॉनेटरी टर्म्स। जो ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की है अब तक, वो मेहनत का पैसा न्यू पार्टनर को इन कैश देना होता है, बराबर। अब सबसे पहले न्यू पार्टनर ने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितना गुडविल अमाउंट उसने दिया, क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ती हूँ तो दिया है ही शैल हैव टू ब्रिंग इन 20,000 एज हिज कैपिटल। उसने 20,000 का कैपिटल फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया, तो बैलेंस शीट के नीचे सभी लिखेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहली वर्किंग नोट हम लिखेंगे कैपिटल, उसने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब है कि ये शुभम ने फर्म को 20,000 रुपीस अमाउंट दिया, फर्म को कैश मिला फ्रॉम शुभम। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द फर्म, क्योंकि हम अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं। तो फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन एंड शुभम इज गिवर, तो फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। वर्किंग नोट में आपकी एंट्री पास करो ताकि आपकी एरर्स नहीं होते, ठीक। लिया हुआ कैपिटल शुभम से जो कैपिटल का अमाउंट मिला, फर्म इसको किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ये शुभम का पैसा है तो शुभम को ही वापस किया जाएगा एट द टाइम ऑफ शुभम्स रिटायरमेंट, शुभम्स डेथ या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। ये शुभम का अमाउंट है, ये किसी में भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री
पास नहीं होती, कैपिटल रिसीव हुआ तो इसकी सिंगल एंट्री पास करेंगे अमाउंट रिसीव, दैट अमाउंट पेएबल टू शुभम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये अमाउंट फॉर्म के पास ही रहने वाली है, इसीलिए कैपिटल की हम हमेशा एक ही एंट्री पास करते हैं, सिंगल एंट्री। तो इसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम पोस्ट कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में टू शुभम्स कैपिटल, शुभम अकाउंट क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ शुभम बाय कैश, शुभम थर्ड नंबर का पार्टनर है तो थर्ड कॉलम में बाय कैश 20,000। That number
अमाउंट पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स एंड पेएबल की एंट्री पास होती है, सबको मालूम है। क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, ये अमाउंट पेएबल टू दी पेएबल टू करंट है, तो मुझे दी एंड करंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। गुडविल अमाउंट इज पेएबल, तो हम एंट्री पास करेंगे गुडविल टू दीप्स कैपिटल टू करंट्स कैपिटल, ये 10,000 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इन देयर। कुछ याद आता है क्या? देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो लगता है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम तभी कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? सबको शायद याद आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली न्यू रेशियो इज गिवन। न्यू रेशियो आपको अगर दिया है 3:1, 2:1:1 या 1:1:1 तो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, है क्या? पहले चेक करो न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो। तो जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में ही मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 3/4 एंड 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 1/4, सभी कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्री पास होगी दीप्स शेयर इन गुडविल 7,500 एंड करंट शेयर इन गुडविल इज 2,500। पोस्ट करते हैं, पे विड्रॉ नहीं किया तो मेरी एंट्री नहीं आएगी, तो पोस्ट करते हैं दोनों एंट्रीज लेजर में, कैश टू गुडविल, कैश के डेबिट में टू गुडविल, गुडविल अकाउंट हमने ओपन नहीं किया, पोस्ट करने की जरूरत नहीं। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स दीप एंड करंट, तो दीप एंड करंट के क्रेडिट में आया गुडविल, दोनों एंट्री में देखो गुडविल फर्स्ट अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हुआ, सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ, दैट मींस गुडविल अकाउंट गेट्स टैली, ये टैली हो चुका है। जब गुडविल अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, शायद अब क्लियर हो रहा है, ठीक आगे बढ़ते हैं। अब द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स be adjusted in their new profit sharing ratio. एक बार वापस इसको अच्छे से समझते हैं, ये हमने किया है। The capitals of all partners, all means including new partner. ये सारे partners के capitals means capital balances. एक-एक word को दिमाग में fit करना है। The capitals of all partners यानी capitals means ये सारे तीनों partners के capital balances आपको दिया है be adjusted, इनको आपको adjust करना है, यानी ये जो credit minus debit आने वाला है हर एक partner का वो आपको किस ratio में चाहिए, new ratio में, but ये balances कभी भी कोई ratio में नहीं होते, वो balance होता है, balance यानी credit minus debit, वो कभी कोई रेशियो में रहेंगे क्या? कभी नहीं रहेंगे, बट उन्होंने कंडीशन दी है कि जो ये बैलेंसेस आप कैलकुलेट करेंगे वो बैलेंसेस आपके न्यू रेशियो में होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो जब ये बैलेंसेस न्यू रेशियो में नहीं है तो मुझे इनको न्यू रेशियो में लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो लाने की एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट यानी कैपिटल को आप एडजस्ट कर रहे हैं किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो योर थर्ड वर्किंग नोट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मुझे हमेशा लगेगा न्यू रेशियो, क्योंकि वो आपको कंडीशन देंगे कि ये कैपिटल बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में आप ट्रांसफर करने वाले हो न्यू फर्म की, वो न्यू फर्म में सबके कैपिटल्स न्यू रेशियो में होने चाहिए, बट ये बैलेंसेस कभी भी न्यू रेशियो में नहीं होंगे, इनको आपको न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कन्वर्शन जो होता है उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके लिए मुझे क्या जरूरी है, न्यू रेशियो। क्या न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन? चेक करो
दिया है तो क्या ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्या? करना है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेट करती हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। जब मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करती हूं तो कुछ तो भी न्यू का बेस लेना पड़ता है। न्यू कौन है इसमें? शुभम है, तो शुभम के शेयर का बेस लेते हुए मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करूंगी। तो फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप वाइज ही आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज शुभम न्यू पार्टनर है, इसका न्यू रेशियो आपको पता है, तो इस न्यू शेयर क्या हेल्प लेते हुए मुझे रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस कंडीशन पे शुभम को हमने एडमिट किया? फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी अगर फर्म 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है, 5 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये कंडीशन पे शुभम को एडमिट किया कि आपको उसमें से कितना अमाउंट मिलेगा? 1 रुपी मिलेगा। ये कंडीशन है। क्या बिजनेस 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न करेगी क्या? नहीं, उन्होंने कंडीशन दी है कि 5 रुपीज का प्रॉफिट अर्न होता है तो 1 रुपी शुभम को दो, ये शेयर इन प्रॉफिट है। तो मैं कैलकुलेट करती हूँ शुभम शेयर दिया हुआ है 1/5, इसका मीनिंग है 5 रुपी में से 1 शुभम को, तो रिमेनिंग कितना? 4 रुपीज। 5 में से 1 शुभम को जाएंगे, तो ये 4 रुपीज किस में डिवाइड करो? बचे हुए पार्टनर्स को या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी दीप एंड करण में। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखती हूँ रिमेनिंग शेयर 4/5। कैसे आया सबको मालूम है, 5 में से 1 शुभम को जाने वाला है तो बचे कितने? 4। ये 4 रुपए का बेस लेते हुए मुझे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो मैं न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करती हूँ। ओल्ड पार्टनर को रिमेनिंग में से भी मिलेगा और उनका ओल्ड रेशियो भी कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला बनेगा रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। सबसे पहला पार्टनर है दीप, तो मैं सोचती हूँ दीप ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है ना, तो ओल्ड को ये रिमेनिंग में से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनका ओल्ड रेशियो भी है ना, तो दोनों को कंसिडर करके बनेगा दीप का न्यू रेशियो। रिमेनिंग इज 4/5 एंड दीप्स ओल्ड रेशियो इज 3/4। मल्टीप्लिकेशन है साइन, तो मुझे सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20। सेकंड पार्टनर इज करण, तो करण है, करण ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है, तो ओल्ड को रिमेनिंग में से भी दो और उसका ओल्ड रेशियो भी कंसीडर करो। दोनों को कंसीडर करके करण का बनेगा न्यू रेशियो 4 × 1, 5 × 4, that is 4/20। ठीक, थर्ड पार्टनर रेशियो कैलकुलेट कर रही हूं तो मुझे तीनों के रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। थर्ड पार्टनर है हमारा शुभम। अब सोचो शुभम ओल्ड है कि न्यू है? न्यू है, तो न्यू का रिमेनिंग तो मिलेगा नहीं ना, न्यू का शेयर ही बताया आपको। न्यू का शेयर कितना है? 1/5। इसका कोई ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो इस 1/5 की मदद से उसका निकलेगा न्यू रेशियो। बट डिनोमिनेटर्स 20, 20 और 5, तो मैं रेशियो नहीं ले सकती। रेशियो के लिए सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल होना जरूरी होता है, तो ये 20, 20 है तो मुझे इसको भी 20 करना है। तो कैसे कार्पेट करके 20 करेंगे क्या? नहीं, इस 5 को 20 करने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करती हूँ बाय 4, तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4। ये दूध है, तो 1 × 4 and 5 × 5 = 4। अब सबके डिनोमिनेटर इक्वल आ चुके हैं, तो देखते हैं न्यूमरेटर 12, 4, 4। 12 is to 4 is to 4, that is 3 is to 1 is to 1। ये by chance last question का और इस question का same है, ये हर वक्त 3 is to 1 is to 1 नहीं आता है। last question, last period में जो question हमने solve किया था उसमें भी new ratio हमारा 3 is to 1 is to 1 ही आया था, ये by chance होता है। ठीक, अब हम
इस रेशो में उनके कैपिटल बैलेंसेस को लेकर के आएंगे। हमको लाना है इस रेशो में बैलेंसेस, तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले सबके बैलेंसेस लाने हैं। सब है तो हमको हमें दीप, करण एंड शुभम, तो पहले नाम लिख लो, दीप, करण एंड शुभम। इन तीनों के कैपिटल्स मुझे किस रेशो में चाहिए? न्यू रेशो में आया है क्या? न्यू रेशो 3:1:1, तो इसके नीचे लिखो 3:1:1। देती है, वापस कर देती है, ताकि उसका कैपिटल कितना फॉर्म में दिखे, 60
Then current may required is 20, but actually is 24,600. चाहिए सिर्फ 20, but है कितना? 24,600, यानी again 4,600 excess amount है फर्म के पास. तो फर्म क्या करेगी? New ratio में लाने के लिए ये excess amount current को वापस कर देगी और ये excess की मुझे adjustment करनी पड़ेगी. ये adjustment वहाँ दिया है through किस account के through करो? Cash account के through. तो मुझे इसकी entry cash के through record करनी है. तो सबसे पहले हम record करते हैं deep के लिए deep को 13,800 excess है हमारे पास. Firm excess बोल रही है तो firm वापस करेगी. किसको वापस करेगी? दीप को, यानी फर्म ने दीप को 13,800 रुपीस रिफंड किए. दैट मींस फॉर फर्म कैश इज गोइंग आउट. कैश अकाउंट रेडी. हु इज द रिसीवर ऑफ कैश? दीप इज रिसीवर. दीप अकाउंट है. एंट्री पास हुई दीप टू कैश. ये पैसा दीप को वापस कर दिया फर्म ने. क्यों? क्योंकि उनको कैपिटल 60 चाहिए बट उसके अकाउंट में 73,800 है. करंट को ये एक्सेस है, यानी इसको भी मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा. दैट मींस फॉर फर्म कैश इज गोइंग आउट. एंड हु इज द रिसीवर ऑफ कैश? करंट इज रिसीवर. करंट कैपिटल अकाउंट है. एंट्री पास हुई करंट टू कैश. अब इसको मैं लेजर में पोस्ट करती हूँ. दीप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. दीप फर्स्ट पार्टनर है तो फर्स्ट कॉलम में टू कैश 13,800, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय दीप्स कैपिटल. करंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश में इसी सामने लिखती हूँ 4,600, कैश के क्रेडिट में बाय करंट्स कैपिटल. शुभम में तो एडजस्टमेंट कर रहे थे, अब हम बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो वो उतने ही आने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है. दीप का क्रेडिट का टोटल है 73,800 माइनस डेबिट 13,800. डेट मीन्स बैलेंसेस 60,000 और मुझे रिक्वायर्ड भी कितना था? 60,000. दीप का सॉरी करंट का क्रेडिट का टोटल 24,600 माइनस डेबिट 4,600. डेट मीन्स बैलेंसेस 20,000. रिक्वायर्ड इज आल्सो 20,000. शुभम्स क्रेडिट टोटल इज 20,000 माइनस डेबिट 0. डेट मीन्स बैलेंस इज 20,000. Required is also 20,000. अब ये balances balance sheet में लेकर के आएंगे Deep's capital, Current's capital, balance हाँ जो balance sheet में transfer करते हैं. And third one is Shubham's capital. Now close cash account, transfer the balance of cash on the asset side. कैपिटल एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आता है तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा.
1000 टोटल ऑफ एलोकेशन. ठीक, तो कल भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, बट उसका पैटर्न कुछ अलग रहेगा. क्या है?